नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 मई दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में 40 पदों पर भर्ती। जातिगत गणना के रोक पर बिहार सरकार ने हाईकोर्ट में डाला रिव्यू पिटीशन। नई शिक्षक नियमावली के खिलाफ बिहार सरकार को चेतावनी। बिहार में हफ्ते के इन दो दिन चलेगी वाहनों का विशेष जांच अभियान। आईपीएल प्लेऑफ में मजबूत दावेदारी के इरादे से उतरेगी ये तीन टीमें। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में 40 पदों पर भर्ती। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा डेयरी फील्ड ऑफिसर, डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के 40 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार को डेयरी टेक्नोलॉजी में बीटेक डिग्री, डेयरी टेक्नोलॉजी में बीएससी डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार के पास 2 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट parikshaNIC.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 2 जून 2023 तक निर्धारित की गई है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सानंद वर्मा के बारे में। सानंद वर्मा एक भारतीय टीवी और फिल्म एक्टर है जो कि हिंदी सिनेमा में सक्रिय है। सानंद एंड टीवी के शो भाभी जी घर पर है में अनोखे लाल सक्सेना की भूमिका में नजर आते हैं, जिससे वह घर घर में जाने जाते हैं। सानंद टीवी के अलावा फिल्मों में भी दिखाई दे चुके हैं। इसके अलावा वह कई धारावाहिकों, फिल्मों, वेब श्रृंखलाओं के साथ साथ विज्ञापन फिल्मों में भी दिखाई दिए हैं। सानंद कई सीरियल, वेब सीरीज और फिल्मों में नजर आ चुके हैं। वो FIR में भी नजर आए थे। इसके अलावा उन्होंने मर्दानी और पटाखा जैसे कई फिल्मों में काम किया। सानंद अजय देवगन की रेड फिल्म में भी नजर आ चुके हैं और उन्हें असली पहचान भाभी जी के घर पर से ही मिली। इसके अलावा सानंद अपहरण और सेक्रेट गेम्स 2 जैसी वेब सीरीज में भी नजर आ चुके हैं। उन्होंने अब तक लगभग 250 विज्ञापनों में काम किया है। जातिगत गणना के रोक पर बिहार सरकार ने हाईकोर्ट में डाला रिव्यू पिटीशन। बीते गुरुवार को पटना हाईकोर्ट के द्वारा राज्य में हो रहे जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी गई थी। वहीं अब हाईकोर्ट के इस फैसले पर राज्य सरकार के द्वारा हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के बेंच में रिव्यू पिटीशन डाला गया है। मालूम हो कि इस रिव्यू पिटीशन में सरकार की ओर से कोर्ट से यह निवेदन किया गया है कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। दरअसल पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच के द्वारा राज्य सरकार द्वारा राज्य में जातियों की गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली अखिलेश कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित कर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई थी और साथ ही डाटा शेयर या उनके उपयोग पर भी रोक लगा दी गई थी। बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई कोर्ट के द्वारा 3 जुलाई को की जाएगी। बिहार में बनेंगे 200 से ज्यादा नए बस स्टॉप। बिहार सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा राज्य के ग्रामीण सड़कों को बेहतर कर यातायात सुविधा बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। इसी के तहत परिवहन विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बस स्टॉप की संख्या 200 और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है और जल्द ही जिलों से जगह चिन्हित कर रिपोर्ट की मांग की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक राज्य में 500 बस स्टॉप में से 466 बस स्टॉप के निर्माण कार्य को पूरा किया जा चुका है। वहीं बचे 34 स्थलों पर फिलहाल निर्माण कार्य चल रहा है। इसी के तहत तीसरे चरण में 200 और बस स्टॉप को जोड़ने का निर्णय लिया गया है। मालूम हो कि इन बस स्टॉप का निर्माण उन स्थानों पर करवाया जा रहा है जहां से लोगों का आवागमन आसानी से हो सके। बता दें कि बस स्टॉप पर CCTV कैमरा, समय सारणी, लाइट समेत कई चीजों की पूरी व्यवस्था की जाएगी। नई शिक्षक नियमावली के खिलाफ बिहार सरकार को चेतावनी। राज्य सरकार के द्वारा जब से नई शिक्षक नियमावली पर मुहर लगाई गई है तब से लगातार राज्य सरकार और इस नई नियमावली का विरोध किया जा रहा है। वहीं अब इसी कड़ी में बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के द्वारा नई शिक्षक नियमावली के तहत बिहार सरकार को चेतावनी दे दी गई है। बीते दिन हुए बैठक में बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के द्वारा कहा गया कि अगर बिहार सरकार बिना किसी परीक्षा के राज्य कर्मी का दर्जा नहीं देती है तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा और 13 और 14 मई को सभी मंत्री के आवास को घेराव किया जाएगा। वहीं 20 मई से 31 मई तक सभी जिलों में आंदोलन किया जाएगा और फिर जुलाई के पहले सप्ताह में विधानसभा के समक्ष घेरा डालो, डेरा डालो अभियान की शुरुआत होगी। बिहार में हफ्ते के इन दो दिन चलेगी वाहनों का विशेष जांच अभियान। राज्य में वाहनों के फिटनेस जांच के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत हफ्ते में दो दिन यानी कि मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को व्यावसायिक वाहनों के लिए विशेष जांच अभियान चलाई जाएगी, जिसमें हेलमेट, सीट बेल्ट के साथ फिटनेस और परमिट का भी जांच किया जाएगा। बता दें कि ऐसे में अगर फिटनेस प्रमाण पत्र अपडेट नहीं किया पाया गया तो फिटनेस प्रमाण पत्र फेल होगा या फिर बिना हेलमेट, सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही मोटर वाहन के चालकों की ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द
किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभियान सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी MBI और ESI के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। NGT ने बिहार पर लगाया 4,000 करोड़ का जुर्माना। वैज्ञानिक रूप से ठोस और तरल कचरे को प्रबंधन करने में बिहार के फेल होने के कारण NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा बिहार पर पर्यावरणीय जुर्माने के रूप में 4,000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, जिसे बिहार को 2 महीने के अंदर रिंग फेस खाते में जमा करना होगा। बता दें कि निर्देश चेयरपर्सन जस्टिस AK गोयल की पीठ के द्वारा दिया गया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि राज्य में केवल अपशिष्ट प्रबंधन के मुख्य सचिवों के निर्देशों का पालन किया जाए। इन सबके अलावा NGT के द्वारा बिहार को सलाह देते हुए कहा गया है कि उपयुक्त स्थानों पर खाद बनाने के लिए गीले कचरे का उपयोग करने के लिए बेहतर विकल्पों का पता लगाया जाना चाहिए। इसके साथ ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर होने वाले खर्चों को वास्तविक में कचरे निस्तारण के पारंपरिक साधनों पर हो रहे खर्चों से तुलना किया जा सकता है। स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए इस दिन तक करें आवेदन। अगर आप भी स्क्रैप सेंटर के खोलने का विचार कर रहे हैं तो आपके पास इसके लिए आवेदन करने का कुछ ही दिन बाकी रह गया है। बता दें कि आप 19 मई तक स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। दरअसल अब राज्य में उन सभी वाहनों को नष्ट किया जाएगा जो 15 साल से अधिक पुराने हो चुके हैं। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से राज्य के 25 जिलों में स्क्रैप सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि जिन जिलों में स्क्रैप सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है उनमें पटना, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, कैमूर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, शिवहर, सीतामढ़ी, गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, अररिया, किशनगंज, छपरा, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई और सुपौल जिले शामिल हैं। मालूम हो कि जिन वाहन मालिकों के द्वारा अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप करवाई जाएगी उन्हें नई गाड़ी खरीदने के लिए पैसे भी दिए जाएंगे और साथ ही रजिस्ट्रेशन शुल्क भी कम लगेगा। बिहार शरीफ हिंसा पर कोर्ट ने मांगा कार्रवाई का ब्यौरा। रामनवमी के दौरान बिहार शरीफ में हुए हिंसा मामले को लेकर निष्पक्ष जांच कराने के लिए अमरेंद्र कुमार सिन्हा की जनहित याचिका पर बीते दिन बिहार में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट के द्वारा बिहार सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वे अगली सुनवाई में इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा कोर्ट के सामने पेश करे। बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई कोर्ट के द्वारा गर्मी की छुट्टी के बाद की जाएगी। मालूम हो कि इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान बड़े स्तर पर हिंसा की गई है, जिससे जान माल की हानि और व्यवसायी वर्ग को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। इसलिए इस मामले की जांच हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त जज या CBI या NIA से कराई जाए, क्योंकि इस जांच से ही निष्पक्ष और वास्तविक परिस्थिति सामने आ सकेगी। पटना एयरपोर्ट पर बांग्लादेश के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। बीते दिन बांग्लादेश के ढाका से नेपाल के काठमांडू जा रही फ्लाइट को तकनीकी खराबी होने की वजह से पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। बता दें कि इस दौरान फ्लाइट पर कुल 77 यात्री मौजूद थे। मालूम हो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस फ्लाइट को पटना एयरपोर्ट पर बीते दिन दोपहर 12 बजे इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। हालांकि इस दौरान सभी यात्रियों को सही सलामत फ्लाइट से उतार लिया गया। दरअसल बीते दिन मिली जानकारी के अनुसार नेपाल के काठमांडू जाने के दौरान हवा के बीच विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद ATC से अनुमति लेकर विमान को पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस दौरान एहतियात के तौर पर CISF के जवानों ने सुरक्षा कड़ी कर दी और सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे श्रृंगी ऋषि आश्रम के बारे में। श्रृंगी ऋषि आश्रम लखीसराय का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। श्रृंगी ऋषि आश्रम लखीसराय जिले में सूर्यगढ़ा प्रखंड में स्थित है। यह जगह पहाड़ों के बीच में स्थित है। मंदिर में आपको शिव भगवान जी, पार्वती माता जी और श्री गणेश जी के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। यह सभी प्रतिमाएं प्राचीन है। यह जगह चारों तरफ से प्राकृतिक सौंदर्य से घिरी हुई है। यहाँ पर आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पेड़ पौधे देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक कुंड देखने के लिए मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस कुंड में पानी साल भर भरा रहता है और इस कुंड का पानी कहां से आता है और कहां निकलता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस कुंड में स्नान भी किया जा सकता है। बरसात में यहां पर चारों तरफ हरियाली देखने के लिए मिलती है। जेलों के लिए शुरू हुई एम्बुलेंस सेवा। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर जेलों में बंद कैदियों के लिए अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है, ताकि जेलों में बंद कैदियों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जा सके और साथ ही उनके बीमार पड़ने पर उन्हें विभिन्न अस्पताल ले जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। बता दें कि मुख्यमंत्री के द्वारा 23 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई गई है, जिनमें अत्याधुनिक मशीनें भी लगी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में कुल 59 जेलों में से 36 जेलों में इसकी सुविधा दी गई है। वहीं बचे शेष 23 जेलों के लिए बीते दिन से यह सुविधा राज्य सरकार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर उपलब्ध करवा दी गई है। मालूम हो कि इस एम्बुलेंस में वे सभी चीजें उपलब्ध है जो मरीज के इलाज के लिए आमतौर पर जरूरत होती है।
बिहार सरकार के खेल कोटे में क्रिकेट को शामिल करने की पहल प्रारंभ। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई जानकारी के अनुसार अब बिहार सरकार के खेल कोटे में क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। दरअसल यह विज्ञप्ति तब जारी की गई है जब बीसीए अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी के निर्देश पर बीसीए की महाप्रबंधक प्रशासन नीरज सिंह और प्रबंधक मिशिया संतोष झा के द्वारा बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा कल्याण के मंत्री जितेंद्र कुमार राय से मुलाकात की गई। मालूम हो कि ज्ञापन में बिहार के क्रिकेटरों की उपलब्धियों को दिखाते हुए खेल कोटे से होने वाली नियुक्तियों में क्रिकेट को भी जोड़ा जाए। वहीं इस विज्ञापन को लेकर विभागीय मंत्री का कहना है कि वह इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। दरभंगा एम्स निर्माण कार्य को लेकर 309 करोड़ रुपए हुए जारी। दरभंगा एम्स के निर्माण कार्य में तेजी लाया जा सके इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा दरभंगा एम्स से जुड़े कुछ कामों को पूरा करने के लिए 309 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि जारी किए गए इस पैसे से एम्स के निर्माण के लिए जो जमीन आवंटित की गई है वहां मिट्टी की भराई की जाएगी और साथ ही जमीन को समतल करने का भी काम किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस राशि को जारी करने वाले प्रस्ताव पर सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक के द्वारा पहले ही मुहर लगा दी गई थी, लेकिन इस राशि को अब जारी किया गया है। वहीं अब इस राशि के जारी हो जाने के बाद से दरभंगा एम्स के निर्माण कार्य में तेजी आएगी और तय किए गए समय के अंतर्गत एम्स के निर्माण कार्य को पूरा किया जा सकेगा। टीटीईटी के लिए एक सप्ताह में 1.35 लाख आवेदन। सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीटीईटी यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन तिथि जारी होने के एक सप्ताह में अब तक बिहार से 1,35,000 अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा कर दिया गया है, जिससे इतने कम समय में ही बिहार के सभी केंद्रों की सीटें भर गई हैं। ऐसे में अब बिहार से जो भी अन्य अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन भरा जाता है उन्हें बिहार से बाहर के केंद्र का चयन करना होगा और उन्हें वहीं परीक्षा देनी होगी। मालूम हो कि अभ्यर्थियों को उनका केंद्र पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर सीबीएसई के द्वारा विकल्प दिया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीटीईटी की परीक्षा ऑनलाइन तरीके से ली जाती है जो कि दो दो पाली में आयोजित की जाएगी। मालूम हो कि इस बार राज्य में कुल 31 केंद्रों पर परीक्षा ली जाएगी। बिहारी जवान ने गाया कश्मीरी गाना, वीडियो हो रहा वायरल। इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक बिहारी जवान ड्यूटी के दौरान 3 लोकप्रिय कश्मीरी गाना गाता दिख रहा है। बता दें कि इस वीडियो में जो जवान दिख रहा है उसका नाम मृत्युंजय कुमार है और वह उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के 3rd बटालियन में है। बता दें कि जवान के द्वारा जो 3 गाना गाया गया है उसमें सबसे पहला निगाड़ो है जो कि एक रोमांटिक गीत है, वहीं दूसरा साहिबो साथ चुनचेनी और तीसरा लोलान गीत गाया है। हालांकि भले ही मृत्युंजय कुमार के द्वारा गाया हुआ गाना कश्मीरी गीतों का उच्चारण शुद्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस प्रेम से इन तीनों गाने को गाया है वो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृत्युंजय कुमार के इस वीडियो को कश्मीर ओपीएस सेक्टर सीआरपीएफ के द्वारा जारी किया गया है और लिखा गया है कि अपनी चुनौतीपूर्ण ड्यूटी के बीच हमारे सैनिक खुशियों और प्रेरणा के पल खोजते हुए 3 बटालियन सीआरपीएफ के कांस्टेबल मृत्युंजय कुमार राय की मंत्रमुग्ध करने वाली प्रस्तुति देखेगी। वह घाटी में ड्यूटी के दौरान कश्मीरी गीत गा रहे हैं। बिहार में फिर बदला मौसम। बिहार में मौसम एक बार फिर पलटी मारने वाला है। तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने से लोगों को तपिश महसूस होगी। हालांकि अभी हीट वेव जैसी स्थिति होने के आसार नहीं है, मगर अगले हफ्ते से अधिकतर शहरों में दिन का पारा 38 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक एक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र दक्षिण छत्तीसगढ़ व इसके आसपास बना हुआ है। इनके प्रभाव से पटना व इसके आसपास आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, वहीं उत्तरी भागों में वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। 6 मई के आसपास दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवात बनने की संभावना है। इसे मोचा नाम दिया गया है। इसके कारण बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होगा जिसे 9 मई तक इसके साइक्लोन में बदलने के आसार है। बिहार में भी इसका आंशिक प्रभाव पड़ने की संभावना है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से चक्रवात को विकसित होने के बाद ही बेहतर आकलन करना संभव होगा। मेडिकल कॉलेजों का निबंधन शुल्क 2.5 गुना बढ़ा। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्धता महंगी हो गई है। दरअसल नए विश्वविद्यालय के द्वारा कई तरह के शुल्क में बदलाव किया गया है, जिससे अब मेडिकल कॉलेजों का निबंधन शुल्क 2.5 गुना तक बढ़ गया है। यानी कि अब आवेदन शुल्क को बढ़ाकर 2500 से 5000 रुपए कर दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन फीस में 5000 से लेकर 50000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं एनओसी के लिए निरीक्षण शुल्क 5000 से 45000 तक बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा नामांकन निधि में भी भारी इजाफा किया गया है। मालूम हो कि पहले डेंटल कॉलेजों को जहां 10 लाख रुपए जमा करने होते थे, वहीं अब नए विश्वविद्यालय में 25 लाख रुपए देने होंगे। इसके साथ ही अब नर्सिंग पारा मेडिकल के लिए भी 10 लाख रुपए जमा करने होंगे। मालूम हो कि अधिकांश मद में 25% तक राशि बढ़ाई गई है। तिब्बत से लाए तिब्बती भाषा के 5 ग्रंथ अब पढ़ सकेंगे हिंदी में।
राहुल सांप्रत्यान द्वारा तिब्बत से लाए गए तिब्बती भाषा के 5 ग्रंथों को अब आप सभी बहुत जल्द ही हिंदी भाषा में भी पढ़ सकेंगे। बता दें कि इसके लिए बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग और सारनाथ के केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान के बीच एक करार की गई है, जिसके तहत अब ये 5 ग्रंथ जो तिब्बती भाषा में है वह हिंदी में छपने को तैयार है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तिब्बती भाषा में उपलब्ध इन 5 ग्रंथों को हिंदी में अनुवाद किए जाने के बाद इसे केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान के कुलपति प्रोफेसर गेसे नवांग समेतन के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आशीर्वचन देखने का अनुरोध किया गया है। बता दें कि इन ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद होने से इससे न केवल बिहारियों को बल्कि देश में मौजूद सभी लोगों को, खासतौर पर उन्हें जो हिंदी भाषी हैं, उन्हें अधिक फायदा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस करार के तहत 50 ग्रंथों को अनुवाद किया जा रहा है। वहीं जिन 5 ग्रंथों को हिंदी में अनुवाद किया गया है वे कर्म विभंग सूत्र, प्रज्ञा पार मित्र, हृदय सूत्र पर 8 भाष्य, आचार्य दीपांकर श्री ज्ञान के 8 ग्रंथ, मध्य मंकलंकार कारिका भाष्य और भाष्य और दुर्लभ पांडुलिपियों का संपादन ग्रंथमाल है। उद्धव और शरद पवार आएंगे बिहार की राजधानी पटना। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा देश के सभी विपक्षी पार्टियों को एक करने की कोशिश अब रंग लाती नजर आ रही है। बता दें कि इसी कड़ी में गुरुवार को जेडीयू नेता एवं बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर सीएम नीतीश का संदेश लेकर महाराष्ट्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात की और साथ ही उन्हें पटना में होने वाले विपक्षी एकजुटता के बैठक को लेकर आने का न्योता भी दिया। वहीं इस दौरान देवेश चंद्र ठाकुर का उद्धव और शरद पवार के द्वारा गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। हालांकि जेडीयू की ओर से इस मुलाकात को केवल शिष्टाचार मुलाकात के रूप में बताया गया है, लेकिन अब इस मुलाकात के बाद ऐसा माना जा रहा है कि पटना में विपक्षी एकता को लेकर प्रस्तावित बैठक में इन दोनों नेताओं के द्वारा शामिल होने के लिए सहमति जता दी गई है। बागेश्वर धाम कार्यक्रम के तैयारियों का गिरिराज सिंह ने लिया जायजा। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर के तरीद पारी में 13 से लेकर 17 मई तक कार्यक्रम होने वाला है, जिसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। वहीं इस तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीते दिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और स्थानीय सांसद रामकृपाल यादव कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इस दौरान गिरिराज सिंह के द्वारा सीएम नीतीश पर हमला करते हुए बोला गया कि सत्ता के नशे में नीतीश कुमार के द्वारा बाबा बागेश्वर को पटना के गांधी मैदान में दरबार लगाने का जगह नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि गांधी मैदान ईद, बकरीद और नमाज पढ़ने के अलावा पीएम मोदी को गाली देने के लिए दी जाती है और अब कार्यक्रम के लिए नौबतपुर में जगह दी गई है। भगवान राम इसी रास्ते से चलकर तारकासुर को मारे थे। इस कार्यक्रम को लेकर जो तारकासुर बनेगा उसका नाश होगा। सभी लोग बोल रहे हैं कि वो बाबा बागेश्वर को जेल भेज देंगे, उनका विरोध करेंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बाबा बागेश्वर ने कब नफरत फैलाने का काम किया है। आईपीएल प्लेऑफ में मजबूत दावेदारी के इरादे से उतरेगी ये 3 टीमें। आज यानी कि शनिवार को आईपीएल 2023 के 16वें सीजन में 2 मुकाबला खेला जाना है। बता दें कि सबसे पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। बता दें कि सीजन में दोनों ही टीमों के द्वारा अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया गया है, ऐसे में दोनों के बीच होने वाला आज का यह मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। मालूम हो कि अब तक ये दोनों टीमें 35 बार आमने सामने आ चुकी हैं, जिनमें 20 बार मुंबई इंडियंस के द्वारा जीत हासिल की गई है, तो वहीं 15 बार चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा जीत हासिल की गई है। वहीं अगर आज खेले जाने वाले दूसरे मुकाबले की बात करें तो दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में 7:30 बजे से खेला जाना है। बता दें कि अब तक इन दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 29 मैच खेले गए हैं, जिनमें से बैंगलोर के द्वारा 18 मुकाबलों में जीत हासिल की गई है, तो वहीं दिल्ली को 10 मुकाबलों में जीत मिली है। मालूम हो कि आज होने वाला यह दोनों मैच बेहद ही रोमांचक होने वाला है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। 1529 में हुए घाघरा के युद्ध में बाबर ने बंगाल और बिहार के शासकों को पराजित किया। 1944 में पुणे के आगा खान पैलेस से गांधी जी रिहा हुए। जाकिर हुसैन 1967 में भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। मुंबई में हुए 26/11 हमले के दोषी अजमल आमिर कसाब को 2010 में मौत की सजा सुनाई गई। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं मिजोरम के तीसरे मुख्यमंत्री लल थनवाला का जन्म 1942 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध तैराकों में से एक खजान सिंह का जन्म 1964 में हुआ। प्रख्यात विधिवेता, प्रमुख संसदीय नेता तथा महात्मा गांधी के विश्वस्त सहयोगी भूला भाई देसाई का निधन 1946 में हुआ। आज के दिन को विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।
पालखंड में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है, गवर्नमेंट ज्ञान नामक यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की सभी लड़कियों को सीधे खाते में 1,80,000 रुपए मिलेंगे। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है, केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही। व्हाट्सएप में ऐड हुए दो शानदार फीचर्स। यूजर के एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाने के लिए व्हाट्सएप में दो शानदार फीचर को ऐड किया गया है। इसमें पहला ये है कि आप पोस्ट को लिमिट कर पाएंगे और दूसरा फॉरवर्ड होने वाले मैसेज या फाइल में कैप्शन एडिट कर पाएंगे। अभी तक ऐप पर होता ये था कि अगर आप कोई पोल एक क्वेश्चन रेज करते तो उसमें यूजर एक से ज्यादा रिस्पॉन्स दे पाते थे, इससे सही रिजल्ट पोल का नहीं मिल पाता था। लेकिन अब नए अपडेट के बाद यूजर्स को एक नया ऑप्शन मल्टीपल रिस्पॉन्स के नाम से मिलेगा, जिसे टर्न ऑफ करने पर लोग केवल एक ही रिस्पॉन्स दे पाएंगे। दूसरा फीचर ये है कि अब आप किसी फोटो, वीडियो या डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड करते वक्त उसका कैप्शन एडिट कर पाएंगे, जिससे वे बेहतर और भी तरीके से सामने वाले व्यक्ति को समझ में आए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बिट्टू कुमार राज, रमन कुमार, रंजीत मिश्रा, विनोद कुमार मांझी, प्रीति, शंकर मुखिया, मोहम्मद सकीर हुसैन, रवि कुमार राम, उमेश ऋषिदेव, अक्षय सत्यार्थ, गौतम कुमार, ऋषि कुमार, राजीव कुमार, पीके पासवान, नीतीश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज हास्य दिवस के मौके पर आप अपने मनपसंद जोक हमें सुनाएं। जिनका जोक हमें सबसे ज्यादा पसंद आएगा उनका नाम हम जरूर लेंगे। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।